अच्छा ये मावा रबड़ी है। अच्छा इसमें ये आइसक्रीम बन जाती है। वो तो शुरू से हमारे दादाजी ने काम करा था ये पाकिस्तान से ही, उसके बाद पिताजी यहाँ पे आए इंडिया में, फिर यहाँ पे चालू करा शुरू हो उन्होंने, फिर हम संभालते। 150 रुपया खर्चा करके आते हैं यहाँ तक, तो सिर्फ टेस्ट के लिए आते हैं हमारे, ऐसा नहीं कि भाव काम है तभी आए यहाँ खाने, नहीं कई जगह फलूदा मिलता हमको, वो बोले ऐसा टेस्ट हमको कहीं नहीं मिलता। जय श्री महाकाल। मेरा नाम महेश कपूर है, मैं यहाँ जयरामपुर कॉलोनी में फालूदे का काम लगाता हूँ। 39 साल हो गए, पहले हमारे पिताजी करते थे, पाकिस्तान के टाइम से करते हैं हम लोग, हमारे दादा भी यही काम करते थे। अभी बना के रखा है। ये काय का बनता है सर? ये आरा रोट है ये। अच्छा, तो ये फिर मशीन से बनता है जैसे सेव बनाते हैं? ये मशीन है देखो। हाँ, बनाने की। अच्छा, ये फालूदा बनता है इससे? इसमें गोल बना के पकाते हैं, अच्छे पकाने के बाद इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये ऐसे बाल्टी में ठंडे पानी में निकाल देते हैं, दबाना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो अरोरूट का गोल बन जाता है फिर उसे ये सेवैया टाइप की बन जाती है, जैसे पानी में चले जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बड़ी मशीन है मतलब ये। ये इसमें फूड कलर डलता है? इमरती रंग। ये क्या डलता है सर? सेंट कलर, वो एसेंस। अच्छा, एसेंस है ये। ये भी नाप के डालना पड़ता है। अच्छा, मतलब इतने में एक ढक्कन डेढ़। अच्छा, ये मतलब ये तैयार हो जाएगा ऐसे? वो तो शुरू से हमारे दादाजी ने काम करा था ये पाकिस्तान से ही, उसके बाद पिताजी यहाँ पे आए इंडिया में, फिर यहाँ पे चालू करा थे वो उन्होंने, फिर हम संभालते। सुबह सुबह को आना पड़ता, दूध उबालना पड़ता हमको, मावा ले आओ, दूध लेके आओ, क्रीम लाना पड़ती है, ये सब उबालना पड़ता है, फिर ठंडा करना पड़ता है उसको, ठंडे होने के बाद फिर डब्बों में भरते हुए, भरने के बाद फिर जमाते हैं, तैयारी करते हैं, फिर गिलास भरते हैं, उसके बाद गाड़ी लगती है। ये क्या है? मावा रबड़ी, फालूदा में डाल। अच्छा, ये मावा रबड़ी है। अच्छा, इसमें ये आइसक्रीम बन जाती है? ये पूरा ठंडा बना रहता है इसमें? दोनों भाई साथ में करते हैं आपस में, छोटा भाई भी रहता है, बिल्कुल शुरू से ही साथ में काम करते हैं, उसके साथ में ही रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं हम, शुरू से ही साथ में, पहले पिताजी थे साथ में, अब हमको संभालना पड़ता है दोनों भाइयों को। ये काजू डालते हैं? काजू है। सुबह 8 बजे से उठते हैं, यहाँ दूध वूध लाते हैं, उबालते हैं, तो शाम के 4 बजे तक के चलता रहता काम, उसके बाद फिर ठेले की तैयारी करते हैं, 5 बजे आ जाते हैं जयरामपुर कॉलोनी में, फिर वहाँ भी धीरे धीरे तैयारी चलती रहती है। ये पिंक वाला कौन सा? ये मिक्स है फ्लेवर। अच्छा, मिक्स है ये। बहुत सहयोग हमको ग्राहक, बहुत ज़्यादा, इंदौर के भी बहुत ग्राहक हैं, बाहर के भी आते हैं, जैसे उज्जैन से, नागदा से, इधर से बहुत आते हैं ग्राहक, देवास के आते हैं, पैक करा के ले जाते हैं, अपने मऊ से आते हैं, बहुत आते हैं दूर दूर से ग्राहक, आसिया से भी आते हैं खास खाने से। भाव हमारा सिर्फ 45 रुपये, सिर्फ भाव के लिए नहीं आते हमारे यहाँ, टेस्ट के लिए आते हैं, पलासिया से जो आते हैं ना, मतलब 100-150 रुपया खर्चा करके आते हैं यहाँ तक, तो सिर्फ टेस्ट के लिए आते हैं हमारे। पैकिंग के लिए रहता है ये? एक पार्सल, मतलब शाम को जब भीड़ हो जाती है तो तुरंत के तुरंत इसमें डालते जाते हैं। बड़ा
चार चम्मच कुछ भी लो नहीं आएगा। अच्छा हो गया नहीं क्या होता ही नहीं वो, इसलिए ऐसे ही करना पड़ता है। वो एकदम चिकना रहता है ना वो एकदम। कईयों ने कोशिश करी। अच्छा कि भाई ऐसे उठाए उठा ही नहीं पाते, हंसी मजाक हो जाती है होता ही नहीं बोले यार कुछ भी हाथ में ही नहीं आता हुआ, चम्मच में आएगा ही नहीं, चम्मच में आएगा ही नहीं ना बिल्कुल किसी हालत में नहीं आता हुआ। दोस्तों इनका मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, ये मेन जयरामपुर कॉलोनी है, ये मेन जयरामपुर कॉलोनी का चौराया है और ये पीछे आपको ढालानी ज्वेलर्स से देखेंगे, उसके सामने आपको महाकाल फालूदा का आपको काउंटर दिख जाएगा और इनका टाइमिंग है 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाव काम है तभी आए यहाँ खाने, नहीं कई जगह फालूदा मिलता हमको, वो बोले ऐसा टेस्ट हमको कहीं नहीं मिलता। माल में तो बहुत फर्क है ना हमारे, बहुत दूसरों के हमारे माल में बहुत फर्क है टेस्ट में, हर किसी का अपने बहुत सहयोग दिया हमको। हम ग्राहक से पूछते हैं भाई आगे कि भाई क्या बताओ, बोले नहीं सही है ऐसा चलने दो, सब ग्राहक ऐसा बोलते नहीं बोले ये सही है एकदम, भाव एकदम कम रखा हमने सिर्फ 4500 रुपये। उस टाइम में एक ही साइज बनती थी फुल साइज 3.5 या 3.5 रुपये का हमारा चालू था हमारे यहाँ फुल साइज उस टाइम में। आज फुल साइज जो बनता है एकदम बड़ा बम्पर ग्लास 90 रुपये का। दोनों ही फ्लेवर आते हैं इसमें मिक्स का और इसका मिक्स फ्लेवर। 90 रुपये वाला तो खा ही नहीं सकता पूरा, खा ही नहीं सकता बहुत ज़्यादा हो जाता है। 45 में ही बहुत आनंद आ जाता है। हाँ तो ठीक है, नहीं फ्रिज में रखना आपको। लगा इसका एक नंबर है। अच्छा खाते रहते हो? बढ़िया खाते रहता है एक दो दिन में। क्या बात है, मतलब अलग ही है महाकाल फालूदा फेमस है यहाँ का। क्या आपको कैसा लगा सर टेस्ट? बहुत बढ़िया बहुत। अच्छा हर साल आते हैं मतलब रेगुलर ही हैं? रेगुलर है। बढ़िया टेस्ट निकले इधर से खा के जाते हैं। क्या थैंक यू सर। ये कैसे? ये मलंगा। मलंगा टेस्ट भी अच्छा रहता है पेट के लिए। अच्छा तासीर बहुत ठंडी रहती है। तासीर ठंडी रहती है तो ये इसको गला के रख देते हैं। तो ये तो वैसे डलते ही है ना उसमें फालूदा में? हाँ इंडोर में कम चलता है। हाँ सिंधी फालूदा में बिल्कुल नहीं चलता है। सिंधी फालूदा में नहीं खा। सिंधी फालूदा ये पीला वाला। अच्छा तो वाइट फालूदा कैसा चलता है? मतलब जो मांगता होगा फिर उन्हीं को देते होंगे जिनको मालूम है स्पीच का। मतलब ये रात की तैयारी चल रही है एकदम से, भीड़ आएगी इसलिए फटाफट करते जाओ। मतलब जनता को इंतजार नहीं करना पड़े बस। जयरामपुर कॉलोनी में महाकाल फालूदा एक बार जिसने नहीं खाया आके देखो। आप चौराहे पर खड़ा रहता हूँ, 5 बजे गाड़ी लगती है, 11:30 बजे बंद कर देते हैं। जय श्री माता। कैसा लगा भाई? बहुत सही है। मैं एक्चुअली मेरे पापा ने डिस्कवर की थी जगह, क्या आते थे तो वो मेरे को लेकर आते थे। काफ़ी पुराना है मतलब? हाँ मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ। मतलब टेस्ट के मामले में, टेस्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच फ्लेवर है क्योंकि उन्होंने एक कुल्फी आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें डाली है। सर आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, काफ़ी बढ़िया लगा। ये फ्लेवर्स काफ़ी मतलब काफ़ी रिच फ्लेवर्स आ रहे हैं। हाँ मतलब अभी यूनिक फालूदा। हाँ मतलब वही अभी रिसेंटली हम दिल्ली जाके खा वहाँ पर खा के आए थे, वहाँ का फेमस फालूदा तो उससे बेटर मेरे को यहाँ का लगा भी। थैंक यू। तो दोस्तों बढ़िया खा के देखते हैं
महाकाल फालूदा की बढ़िया सी रबड़ी। हेलो, इसमें हर चीज जो बनी हुई है सर फ्रेंड्स, वो मतलब यही बनाते हैं, मतलब इसकी सेवैया से लेके आइसक्रीम और ये इसकी रबड़ी पूरा मतलब टोटल, और इसका शरबत जो डलता है रेड कलर का और ग्रीन कलर का, वो ये शरबत भी काका यहीं पे बनाते हैं और वो बेहतरीन है। मतलब 39 सालों से सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और सिर्फ जो कस्टमर आते हैं सिर्फ नाम से आते हैं और सिर्फ टेस्ट के लिए आते हैं। मतलब फालूदा आपको मतलब इंदौर में बहुत जगह मिल रहा होगा, पर यहाँ इंसान आता है पैसे के लिए नहीं, मतलब सिर्फ टेस्ट के लिए। बहुत बढ़िया है, आप लोग भी आइएगा। इसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, जयरामपुर कॉलोनी है, उसका मेन चौराहा ये पीछे आपको दिख रहा है, इधर ही आपको दिख जाएंगे, और ये ढालानी ज्वेलर्स है, उसके ठीक सामने इनका ठेला दिखता है महाकाल फालूदा के नाम से। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइएगा, ये टेस्ट करिएगा। 45 रुपये में देते हैं जो कि पर्याप्त है, और 90 रुपये वाला जो फुल गिलास है फालूदा का, वो तो डेफिनेटली मैं बताऊँ आप खा ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा क्वान्टिटी है। तो आप लोग भी आइएगा, विज़िट करिएगा, गर्मी का टाइम है, अब तो सीज़न चालू हो गया है, और ये आपको मिल जाएंगे 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मिल जाएगा इधर। इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो फ्रेंड्स आना ना भूलें, और मिलते हैं हम चीन दौर के अगली वीडियो में। तब तक आप कुछ ऐसे ही नया तो सजेस्ट करते रहिए, ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर डिटेल भेजिए ताकि हम लोग उसे कवर कर सकें। तो साथियों मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।